वंदे मातरम शिक्षक साथियों और विशेषकर ऐसे साथी जो पीओ या ईसीयू स्कूल में लगे हुए हैं और ग्रामीण ओलंपिक या शहरी ओलंपिक से संबंधित कार्य को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एक तो जो ओपनिंग सेरेमनी के फोटो है वो किस तरीके से अपलोड करने थे, हालांकि अधिकांश लोगों ने कर लिए होंगे क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी को शुरू हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, फिर भी अगर आपने अभी तक नहीं अपलोड किए हैं तो वो अपलोड करें। इसके अलावा दिल्ली के जो भी कार्यक्रम है, इवेंट्स है उनके और सांस्कृतिक संध्या या जो भी कार्यक्रम है उनके फोटो है वो डेली अपलोड करने। इसके अलावा टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जो एंट्री है वो भी आपको पीओ स्तर पे करनी है। वो सारा प्रोसेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपके पीओ या ईसीयू है उनके एसएसओ आईडी में जाना है और वहाँ जा करके आपको पंचायत मॉड्यूल है वो आपको लॉगिन करना है, और पंचायत मॉड्यूल लॉगिन करने के बाद में आगे का प्रोसेस कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पंचायत जो मॉड्यूल है इस पर आपको यहाँ इस तरीके से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शहरी ओलंपिक जो भी आपके लागू होता होगा इसके संबंध में आप पूरे आंकड़े देख सकते हैं, पूरे स्टेट लेवल के कितने प्लेयर रजिस्टर्ड है, कितने भाग लिया या क्या किया, सारा डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज संभाग वाइज अपने खेल के जो भी कैंडिडेट्स वगैरह उनकी भी आप जानकारी ले सकते हैं, कितने प्लेयर का डाटा है वो आप सिटी के देख सकते हैं, ग्रामीण का देख सकते हैं, ब्लॉक वाइज वगैरह, ये तो सारी सामान्य बात होगी। अब जैसे आपको पीओ स्तर पे जो भी काम करना है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ जैसे ये स्टार या फुटबॉल का निशान है, यहाँ आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मॉड्यूल दिए हुए हैं, पहला है ओपनिंग सेरेमनी फोटो एंड डिटेल्स एंट्री। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ओपनिंग सेरेमनी जिस दिन भी हुई थी उसके फोटो अपलोड करने हैं, तो यहाँ से आप जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको कम से कम एक और दो, यानी दो तो इमेज है वो अनिवार्य रूप से अपलोड करनी है। वीडियो है आपको यहाँ दोनों वीडियो पे स्टार लगा हुआ है, यानी दो वीडियो अपलोड करने। इसके अलावा अदर एंट्रीज में आपको मार्च पार्ट में पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या, टी शर्ट पहनकर भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या, कितने जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, ये सारे जो भी यहाँ लिखी हुई है वो सारी एंटर करनी है। अब जैसे हमने एंटर की है तो यहाँ आपके जैसे आप यहाँ सबमिट कर देंगे, सुरक्षित कर देंगे, तो यहाँ आपके सामने जो भी ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, अपडेट स्टेटस में यस आ जाएगा अगर आपने अपडेट किया हुआ है, तो फोटो यहाँ जो भी अपलोड किए वो यहाँ शो हो जाएंगे, वीडियो शो हो जाएंगे कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब फोटो को आप देखना चाहें तो यहाँ से आप फोटो भी इस तरह से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया ओपनिंग सेरेमनी का। अब दूसरी बात करते हैं जो दिल्ली के फोटो है वो कहाँ अपलोड करने, एक व्यूअर ने मुझे कमेंट करके पूछा था, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे गेम्स एंड कल्चर एंट्री इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको दिल्ली के फोटो और जो भी है वो वीडियो अपलोड करने। अब यहाँ से जैसे देखेंगे तो यहाँ ऊपर जो भी आपकी पंचायत का नाम वगैरह वो आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ जो दो फोटो है कल्चरल एक्टिविटी के, यहाँ विशेष आप ध्यान रखें कि ऊपर है वो कल्चरल एक्टिविटी के फोटो और वीडियो अपलोड करने, नीचे है अदर एंट्री करनी है, और इसके अलावा जैसे यहाँ गेम एंट्री करनी है जो सांस्कृतिक संध्या है उसके बाद में खेल से संबंधित एंट्री करनी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, जैसे यहाँ दो तो फोटो है अनिवार्य रूप से आपको करने, एक दो से ज़्यादा कर सकते हैं और कुल मिलाकर 10 फोटो ऑप्शन है वो अपलोड करने का, लेकिन कम से कम आप दो फोटो यहाँ अपलोड करें जिसमें दोनों के स्टार लगा हुआ है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा, सेव नहीं होगा। इसके बाद में वीडियो है तो ये जैसे कल्चरल एंट्री है यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दो फोटो प्लस दो वीडियो, ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। वीडियो अपलोड करने में यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ जैसे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो ये लिखा हुआ आ रहा है कि वीडियो शुड बी लेस देन 10 MB, यानी 10 MB से कम का होना चाहिए, लेकिन 10 MB से कम का वीडियो भी अपलोड नहीं हो रहा है, मैंने कल ट्राई की थी, तो वहाँ आप कोशिश करें कि 5 MB का, कुछ सेकेंड का यानी 1 मिनट से कम का वीडियो या 5 MB का ही वीडियो अपलोड करें, 5 MB तक का वीडियो आसानी से अपलोड हो रहा है, तो ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अदर एंट्री में जैसे सांस्कृतिक संध्या में कुल कितने स्थानीय कलाकारों ने भाग लिया, सांस्कृतिक संध्या में कुल कितनी जन भागीदारी रही, ये एंट्री करनी है। उसके बाद में गेम्स एंट्री में आपको यहाँ कितने खिलाड़ियों के संबंध जो भी गेम जिसके फोटो वगैरह हैं वो आपको अधिकतम 10 और मिनिमम 2 फोटो अपलोड करने। इसी तरह से खेल से संबंधित 2 वीडियो है वो शॉर्ट वीडियो आप यहाँ अपलोड करें, यानी 5 MB तक के जो वीडियो वो अपलोड करें। उसके बाद में अदर एंट्री है, इसमें जैसे कुल कितने जनप्रतिनिधियों ने खेल का आनंद लिया, कितने दर्शक आए, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता, राष्ट्रीय पदक विजेता या राज्य स्तरीय पदक विजेता, जिला स्तरीय पदक विजेता, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, इसके अलावा कितने खिलाड़ियों ने भामाशाहों ने मतलब खिलाड़ियों को खाना खिलाया या नकद इनाम कितना दिया, ट्रॉफी कितने दी, पोशाक कितने दी, तो जो भी संख्या है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको अनिवार्य रूप से पढ़ना है, कुछ नहीं है जैसे नहीं दिए और वैसे भी खिलाड़ियों को है वो टी शर्ट वगैरह है वो राज्य सरकार की तरफ
दिए गए हैं, तो आप जैसे भामाशाह ने अगर नहीं दिया तो आप जीरो कर सकते हैं, लेकिन ये एंट्री करेंगे क्योंकि सारे स्टार लगे हुए हैं, लाल कलर के स्टार है यानी मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसके बाद में यहाँ सुरक्षित पे करना है। अगर आपने पिछले दिन कोई एंट्री की है तो उसको आप देखना चाहें तो वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ जैसे ये ग्राम पंचायत नाम आ जाएगा, यहाँ फोटो अपलोड डेट है वो आ जाएगी, ये जैसे 7/8/2023 यानी कल मैंने फोटो अपलोड किए थे, यहाँ स्टेटस में यस आ रहा है और इसके बाद में कल्चर एक्टिविटी का फोटो है। अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो कल्चर एक्टिविटी का फोटो यहाँ से आपको ये डाउनलोड हो जाएगा कि जो आपने फोटो अपलोड किया था वो इस तरीके से यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा। थोड़ा सा ये समय ले रहा है तो मैं इसको दोबारा, जैसे मान लो वीडियो है तो आप जैसे गेम का फोटो करना चाहें तो यहाँ से गेम का फोटो भी इस तरीके से ये अपलोड हो जाएगा। अगर ये सांस्कृतिक संध्या का फोटो या जो भी कार्यक्रम है वो भी यहाँ से हो जाएगा। ये थोड़ा सा डाउनलोड में नेट की इसको टाइम ले रहा है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोनों, मैंने बता दिया कि जो ओपनिंग सेरेमनी है उसका फोटो आप वीडियो किस तरीके से अपलोड करना है, इसके अलावा डेली की एंट्री में आपको कल्चर एंट्री के फोटो एंटर करने हैं, और इसके अलावा गेम एंट्री के यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम के और खेलों के दोनों के अलग अलग फोटो और वीडियो अपलोड करने हैं। अब तीसरी जो बात मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है, यहाँ आपको क्लिक करना है तो कितने टी शर्ट आपको मिले हैं और कितने टी शर्ट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए, उसकी एंट्री यहाँ करनी है। अब जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ टी शर्ट रिसीव है, कितने टी शर्ट है और कितने डिस्ट्रीब्यूट किए, कितने वितरित किए, लगभग जो भी टी शर्ट है सभी आपको वितरित करने और यहाँ सुरक्षित करें। लेकिन एक ध्यान ये रखें कि कृपया सूचनाएं ध्यानपूर्वक सेव करें, एक बार सेव करने के बाद में एडिट और डिलीट का प्रबंध नहीं है, इसलिए जो भी जानकारी हो फाइनल आप आंकड़ा तैयार करके ही इसको सबमिट करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित कि अब इसमें प्लेयर और गेम एडिट का भी ऑप्शन अभी भी काम कर रहा है। तो मान लो किसी खिलाड़ी का गेम है वो अपडेट करना चाहें तो यहाँ से आपको प्लेयर का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और यहाँ सर्च पे आपको ग्रामीण खिलाड़ी है तो ग्रामीण पे सर्च करना है, शहरी है तो शहरी पे सर्च करना है और उसके बाद में जो भी खेल आएगा खिलाड़ी का नाम आएगा उसका आप खेल है वो अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ दिए हुए हैं, जैसे आप टीम की लिस्ट निकालना चाहें तो यहाँ से जैसे आप इसमें जाएंगे यहाँ स्टार पे और यहाँ नीचे सबसे नीचे आप ऑप्शन जो दिया हुआ है इस पे आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है और रिपोर्ट में आपको दो ऑप्शन है, एक तो है जैसे यहाँ रिपोर्ट्स में काफ़ी सारी आप ऑप्शन आ गए हैं, जैसे एक आ गया ओपनिंग सेरेमनी रिपोर्ट आपने अपलोड किया तो वो आ जाएगी, ओथ रिपोर्ट यानी शपथ ग्रहण की रिपोर्ट आ जाएगी, प्लेयर डिटेल्स आ जाएगी और इसके बाद में टीम लिस्ट आ जाएगी। अब मान लो जैसे कितने लोगों ने शपथ ग्रहण की उसकी अगर रिपोर्ट है तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो इसमें देखो अभी जैसे ये नया ऑप्शन शुरू है तो अभी जैसे टोटल यहाँ जो ये पंचायत का नाम आ गया, पंचायत समिति का आ गया, ग्राम पंचायत का आ गया और टोटल ओथ कितनों ने ली तो ये आंकड़ा यहाँ शो हो रहा है, इसका मतलब इतने लोगों ने शपथ ले ली है। तो ये भी आप चेक करें क्योंकि सभी लोगों को शपथ दिलाना, सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाना अनिवार्य है। तो ये है रिपोर्ट्स का। इसके अलावा अगर ओपनिंग सेरेमनी की रिपोर्ट्स आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको ओपनिंग सेरेमनी रिपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ से जैसे आप यहाँ पूरी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी, जिसमें कितने इमेज आपने कितने अपलोड किए, वीडियो कितने अपलोड किए, मार्च पास्ट में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, ओलंपिक टी शर्ट पहन के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, अदर प्लेयर्स या जो भी पब्लिक कितनी थी या नेशनल विनर कितने थे, वो सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ व्यू का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप आंकड़ा है वो देख सकते हैं। यहाँ जैसे फोटो वीडियो है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, अगर जैसे वीडियो आप देखना चाहें तो ये वीडियो भी आपने जो भी अपलोड किया था वो वीडियो यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये तो होगी ओथ से संबंधित और ओपनिंग सेरेमनी से संबंधित, यानी हर प्रकार की रिपोर्ट है आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित जो भी एंट्रीज वगैरह है वो करनी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसमें अगर आपके किसी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।